बाड़मेर के बालूतरा से खबर है, जहां दलित महिला के साथ दुष्कर्म व जलाने का मामला सामने आया। देर रात प्रशासन व परिजनों के बीच में वार्ता सफल हो चुकी है। उचित मुआवजे व नौकरी देने की बात पर सहमति बन चुकी है। देर रात जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक व विधायक मदन प्रजापत की मौजूदगी में ये वार्ता हुई थी। और देखिए, कल जो तस्वीरें सामने आई थी, जहां पर परिजन लगातार मांग पर अड़े हुए थे, मुआवजे राशि की मांग की जा रही थी और एक सरकारी नौकरी की मांग की जा रही थी, और इस पूरे मामले को लेकर आक्रोश परिजनों में देखा जा सकता था। तो वहीं अगर करंट अपडेट की अगर बात की जाए तो वार्ता सफल हो चुकी है। कल वार्ता हुई थी परिजनों के बीच और प्रशासन के बीच, और ऐसे में उचित मुआवजे और नौकरी देने की बात पर सहमति बन चुकी है। और देखिए, जिस तरह का पूरा मामला सामने आया था बाड़मेर के बालूतरा से, जहां दलित महिला के साथ पहले दुष्कर्म किया गया और पूरा जलाने का मामला था, और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी वंशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वंशी, कल लगातार देखा जा रहा था कि आक्रोश जता रहे थे परिजन, तो वहीं अब वार्ता सफल हो चुकी है, कितनी मुआवजे राशि पर बात बनी है? देखिए, करीबन 25 से 30 लाख रुपए के आसपास की राशि जो सरकारी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से और स्थानीय लोगों के द्वारा, सहयोग के द्वारा ये बात बनी है। और साथ ही साथ दो लोगों को स्थायी तौर पर, प्रारंभिक तौर पर नौकरी देने की भी बात वार्ता में हुई है, क्योंकि कल दिन भर जिस तरीके से गतिरोध रहा, बार बार एडीएम स्तर के अधिकारी वार्ता कर रहे थे, लेकिन रात को कलेक्टर और एसपी स्वयं बालोतरा आए और बालोतरा में देर रात तक स्थानीय विधायकों और जनप्रतिनिधियों के साथ वार्ता हुई है। वार्ता के बाद सहमति बनी है और सब का पोस्टमार्टम करवाकर अब गांव लाया जा रहा है और गांव के बाद में अंतिम संस्कार होगा। वहीं इस मामले को लेकर आज बीजेपी के नेता है सतीश पूनिया है, वो तमाम लोग भी यहां बालोतरा आने वाले हैं, उनके घरों घर में भी जाएंगे। और देखा जाए तो जो बंद का, बालोतरा बंद का जो ऐलान था, वो अब बंद का ऐलान नहीं होगा, क्योंकि वार्ता सफल हो चुकी है। जी बंशी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।